गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द करियर सेपर। आई एम सुभाष पोद्दार। दिस इज सेट नंबर 5 ऑन कंपलसरी पेपर 2 ऑफ द बीपीएससी एपीएस एंड डब्ल्यूएमओ 2022। दिस इज द कंटेंट बेस्ड प्रैक्टिस सेट विच डिस्कसेस अबाउट द इंटरनेशनल कन्वेंशंस ऑन वेस्ट रिलेटेड इशूज। नाउ लेट्स सी द रूलिंग्स ऑफ सच कन्वेंशंस। ये देखें, इंटरनेशनल कन्वेंशंस ऑन वेस्ट रिलेटेड इश्यूज, अपशिष्ट से संबंधित मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय। तो ये बहुत अहम है, इंटरनेशनल कन्वेंशन को पढ़ना पड़ेगा। तो ये देखें हाइलाइट्स में, ये इन कन्वेंशंस के नाम दिए हुए हैं। ये बासेल अभिसमय, बासेल कन्वेंशन, रोटरडैम कन्वेंशन, रोटरडैम अभिसमय, स्टॉकहोम कन्वेंशन, पारा पर मीना माता कन्वेंशन अभिसमय, मीना माता कन्वेंशन ऑन मरकरी, और ये पांचवा है स्ट्रेटेजिक अप्रोच टू इंटरनेशनल केमिकल्स मैनेजमेंट SAICM, यानी अंतर्राष्ट्रीय रसायनों के प्रबंधन के लिए रणनीतिक उपागम। तो ये पांच अभिसमय है जिसको पढ़ना पड़ेगा। तो आइए थोड़ा डिटेल्स देख लें। डिटेल्स में मात्र दो का भी इसमें चर्चा किया गया है उसी पर। ये देखें बासेल कन्वेंशन। तो बासेल कन्वेंशन में क्या क्या रूलिंग्स है जरा देख लें। बासेल कन्वेंशन को बासेल स्विट्जरलैंड में वर्ष 1989 में अडॉप्ट किया गया था। ये तो आप जान रहे हैं बासेल कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में है, और वहीं पे ये कन्वेंशन हुआ 1989 में और उसको अडॉप्ट किया गया। और ये तो हो गया। बासेल कन्वेंशन किस विषय पर है ये जानना अहम है। तो ये है कंट्रोल ऑफ ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट्स ऑफ हजार्डस वेस्ट्स एंड देयर डिस्पोजल, इस पर है, इस विषय पर। और इसका उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव्स, बासेल कन्वेंशन का ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो देखें ये हजार्डस वेस्ट्स के विपरीत प्रभावों के विरुद्ध मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा करना, इसका उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है। ये ओवर आर्किंग ऑब्जेक्टिव है बासेल कन्वेंशन का कि हजार्डस वेस्ट के विपरीत प्रभावों के विरुद्ध मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा करना, ये ऑब्जेक्टिव है। अब देखें स्कोप ऑफ एप्लीकेशन क्या है। स्कोप ऑफ एप्लीकेशन, हजार्डस वेस्ट के रूप में परिभाषित अपशिष्टों की विस्तृत रेंज को कवर करता है जो अपने ओरिजिन, कंपोजिशन, कैरेक्टरिस्टिक्स पर आधारित होते हैं। ये पूरा एक वाइड रेंज इसमें कवर होता है बासेल कन्वेंशन के अंतर्गत। और ये अदर वेस्ट्स के रूप में परिभाषित दो प्रकार के अपशिष्ट, हाउसहोल्ड वेस्ट एवं भस्मक राख, इंसिनरेटर एस, ये दो चीज अदर वेस्ट्स के रूप में परिभाषित किए गए हैं। तो ये भी कवर होता है अदर वेस्ट्स। एक तो हो गया हाउसहोल्ड वेस्ट यानी घरेलू कचरा जो होता है, और फिर भस्मक राख। भस्मक राख क्या होता है, ये जो क्रीमेटोरियम में जो राख होता है, शब्दागिरी का राख, वो होता है जिसको आप जलाने वाली भट्टी भी बोलते हैं। तो ये है इसका स्कोप ऑफ एप्लीकेशन। दूसरा कन्वेंशन में आइए, रोटरडैम कन्वेंशन में। रोटरडैम कन्वेंशन, रोटरडैम अभिसम समय, यह अभिसमय कब आया प्रभाव में आया, 2004 में ये फोर्स में आया ये रोटरडैम कन्वेंशन। और भारत उसमें, ये देखें भारत इसमें शामिल कब हुआ, तो वर्ष 2005 में शामिल हुआ।
और अब आइए विषय पर, यह कन्वेंशन किस विषय पर है? ये बहुत ही अहम है। देखें विषय, ये सर्टेन हजार्डस केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स इन इंटरनेशनल ट्रेड के लिए प्रियर इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट PIC प्रोसीजर पर है। ये कुछ हजार्डस केमिकल्स के लिए है और पेस्टिसाइड्स के लिए जो इंडस्ट्रियल ट्रेड में है, और उसके लिए प्रियर इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट प्रोसीजर पर है। और ये इस कन्वेंशन में, यानी रोटरडैम कन्वेंशन के एनेक्सर 3 में 47 केमिकल्स लिस्टेड हैं, जिसमें 33 पेस्टिसाइड्स, 14 इंडस्ट्रियल केमिकल्स हैं। ये याद रखना है। अब देखें, ये नोट में कुछ है, ये रसायन दो या अधिक पक्षकारों, ये जो अभी आप 47 केमिकल्स के बारे में जाने, उसके बारे में है कि ये दो या अधिक पक्षकारों के द्वारा स्वास्थ्य और पर्यावरणीय कारणों के लिए प्रतिबंधित या सख्त रूप से निषिद्ध हो चुके हैं, बैंड और सीवियरली रेस्ट्रिक्टेड हो चुके हैं ये रसायन जो अभी ऊपर आप पढ़े 47। और दूसरा है क्या कि इन रसायनों को कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज ने PIC प्रक्रिया का विषय बनाया है। PIC अभी आप पढ़े ऊपर में, और ये भारत के लिए डेजिग्नेटेड नेशनल अथॉरिटीज DNA, डेजिग्नेटेड नेशनल अथॉरिटीज कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय में है, ये भी याद रखना है। और ये ऑफिशियल कॉन्टैक्ट पॉइंट्स OCP जिसको बोलते हैं, OCP पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में डेजिग्नेटेड हैं, MOEF एंड CC में डेजिग्नेटेड हैं OCPs। तो ये आप अभी तक मैं दो कन्वेंशन को पढ़े, और अभी और अगले वीडियो में 3 कन्वेंशन पर और चर्चा की जाएगी, जैसे ये स्टॉकहोम कन्वेंशन, मीना माता कन्वेंशन ऑन मरकरी, और ये SAICM। तो अभी तक के लिए इतना ही है। दस द सेट नंबर 5 कंक्लूडेड वेल। यू मे नोट डाउन दिस नोट्स फॉर योर प्रिपरेशन फॉर सैनिटेशन ऑफिसर एग्जाम। थैंक्स अ लॉट। गुड नाइट।